हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहण लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। अज दी पहली वड्डी खबर, गरीब परिवारां लई मोदी दा वड्डा ऐलान। तां दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दी म्याद नूं हुण नवंबर तक वधाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश नूं अपने संबोधन विच कहा कि तालाबंदी दौरान देश की पहली तरजीह यह सी कि जही स्थिति ना होवे कि किसी भी गरीब के घर का चुल्हा ना जलाया जा सके। यह चाहे केंद्र सरकार होवे जां राज दीआं सरकारां होण, सिविल सोसाइटी के लोग हर एक ने कोशिश की है कि अजिहे वड्डे देश विच साडे किसी भी गरीब भैण भरा नूं भुखा ना रहना पवे। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरह नाल वेख्या जावे तां साडी सरकार ने अमरीका की कुल आबादी नालों 2.5 गुणा ज़्यादा लोगों नूं मुफ्त अनाज दिता। अगली खबर, स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक रहेंगे बंद। तो दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बढ़ रहे प्रभाव के मद्देनज़र स्कूल ते कॉलेज कोचिंग संस्था 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दरअसल अनलॉक 2 च बहुती छोट नहीं दिती गई। अनलॉक 2 विच ध्यान रखा गया कि लोग शरीरक दूरी का पूरी तरह पालन करन। इसलिए मैट्रो, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉलों ते लगी रोक बरकरार रखी गई है। अगली खबर, पंजाब दे विच बस राही सफ़र करना होया महंगा। ट्रांसपोर्ट विभाग ने किराए दे विच कीता वाधा। तां दोस्तों, पंजाब दे विच बस सर्विस महंगी हो गई है। हुण आम बस दे किराए विच 1.22 रुपए दा वाधा कीता गया, जबकि एसी कोच दा किराया 1.46 रुपए वधाया गया। ते दूजे पासे इंटीग्रल कोच विच 2.19 रुपए, जबकि सुपर इंटीग्रल कोच विच 2.44 रुपए प्रति किलोमीटर दा वाधा कीता गया। अगली खबर, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला नूं मिली जमानत। तां दोस्तों, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला नूं अदालत वल्लों जमानत मिल गई है। सिद्धू खिलाफ़ आर्म्ड एक्ट तहत FIR दर्ज की गई सी। पुलिस लंबे समय तो सिद्धू नूं गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही सी, पर अज सिद्धू नूं अदालत वल्लों वड्डी राहत मिल गई है। अगली खबर, बैन होण दे मगरों टिकटॉक दा वड्डा दावा। तां दोस्तों, भारत ते चीन विचाले विवाद दरमियान सोमवार नूं भारत सरकार ने वड्डा फैसला लिया सी। इस फैसले विच केंद्र सरकार ने सुरक्षा दे हवाले नाल भारत विच 59 चीनी ऐप्स उत्ते पाबंदी लाई सी। इन्हां सारे ऐप्स विच सब तो मशहूर ऐप टिकटॉक भी शामिल सी, जिस दे भारत विच लखां यूजर ने। इस पाबंदी दे बाद वीडियो बनाउण वाली ऐप टिकटॉक इंडिया दे विच बयान जारी कीता। टिकटॉक ने दावा कीता कि टिकटॉक 14 भारतीय भाषावां विच भारत विच उपलब्ध है। इस लई इस दे लखां यूजर ने, जिन्हां विच कलाकार, कहानीकार, अध्यापक भी शामिल ने, जो अपनी रोजी रोटी लई इस ते निर्भर करदे ने। टिकटॉक ने दावा कीता कि इत्थे बहुत सारे लोग हन जो पहली बार इंटरनेट दी वरतों कर रहे ने। अगली खबर, पबजी ते जूम ऐप नहीं होए बैन, जाणो की है इस दी वजह। तां दोस्तों, चीनी ऐप दे बैन दौरान ट्विटर ते पबजी जूम ऐप भी ट्रेंड विच होण लग पए ने। ट्विटर ते लोग सवाल पुछण लगे ने, आखिर इन्ने सारे चीनी ऐप दौरान पबजी ते जूम ऐप क्यों नहीं बैन किए गए। अजिहे विच असीं दस दईए कि आखिर क्यों इन्हां ऐप नूं बैन नहीं किया गया, जिस नूं खुद भारत सरकार ने ना इस्तेमाल करन दी सलाह दित्ती है। तुहानूं दस दईए कि चीन नहीं, साउथ कोरिया दी गेम है पबजी, ते दूजे पासे जो जूम ऐप है वह अमरीका दा डिवेलप किया गया। इसलिए पबजी ते जूम ऐप नूं भारत विच बैन नहीं किया गया। अगली खबर, एप्पल लॉन्च कर सकता आईफोन 12 दे 4G मॉडल, इन्ना होवेगा रेट। तो दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि आईफोन दे स्क्रीन कंपनी आईफोन 12 दे कई मॉडलों नूं लॉन्च कर सकती है, जिथे आईफोन 12 बाजार दे विच 5G टेक्नोलॉजी नाल आवेगा, उत्थे ही कंपनी आईफोन 12 दा 4G मॉडल भी लियाउण दी योजना बना रही है। मन्निया जा रहा है कि उन्हां दीआं कीमतां आईफोन 12 दे 5G मॉडल नालों घट होणगीआं। खबरां दे अनुसार नवें LTE समर्पित आईफोन 12 दी शुरुआती कीमत लगभग 42,000 रुपए हो सकती है। इस दे नाल ही आईफोन 12 मैक्स की कीमत 50,000 रुपए तक हो सकती है। तुहानूं दस दईए कि 4G आईफोन 12 मॉडलों नूं LCD डिस्प्ले दे नाल लॉन्च किया जा सकता है। अगली खबर, पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां च मिली थोड़ी राहत, जाणो अज की रही कीमत। तां दोस्तों, दिल्ली विच अज पेट्रोल ते डीजल दी कीमत विच कोई तब्दीली नहीं कीती गई। न्यूज़ एजेंसी ने दस्सिया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विच पेट्रोल दी कीमत 80.43 रुपए, जबकि डीजल दी कीमत 80.53 रुपए रही है। अगली खबर, पंजाब दे कंटेनमेंट जोनां विच 31 जुलाई तक लॉकडाउन, सरकार वल्लों अनलॉक 2 लई हदायतां जारी।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। इस तो इलावा नॉन कंटेन जोन विच सरकार ने केंद्र सरकार दीयां हदायतां नूं लागू किया गया। इस दौरान स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। पंजाब सरकार ने नाइट करफ्यू विच थोड़ी होर ढिल दी है। हुण रात दे 10 बजे तो सवेर दे 5 बजे तक करफ्यू जारी रहेगा। इस तो इलावा वीकेंड ते लॉकडाउन दे विच सख्ती कायम रहेगी। जरूरी चीज़ां नाल काम करन वालियां दुकानां नूं सारे दिन रात दे 8 बजे तक खोलण दी आग्या दित्ती जाएगी, जबकि ऐतवार नूं सारियां गैर जरूरी दुकानां बंद रहनगियां। अगली खबर, हाई कोर्ट का स्कूल फीस ते वड्डा फैसला, प्राइवेट स्कूलों नूं दित्ती राहत। तां दोस्तों पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने फीस वसूली मामले दे विच मापिआं नूं झटका दिता। अदालत ने प्राइवेट स्कूलों नूं पूरी फीस वसूलन की इजाजत दे दिती है। हाई कोर्ट के आदेशों मुताबक प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, बसों का किराया लै सकते हैं। इस दे नाल ही हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के टीचरों नूं भी राहत दिती है। अदालत ने हुक्मां मुताबक अध्यापकों नूं पूरी तनखाह दिती जाएगी। अगली खबर, पंजाब पुलिस ने पंजाब खिडारी बनाए सुपरडेंट ऑफ पुलिस। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁੱਕ ਜੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਮਨੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅਰ ਹਰਵੰਤ ਕੌਰ, ਏਸੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹਰਵੀਨ ਸਰਾਓ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਵਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। अगली खबर, अमरीका विच पिछले 24 घंटियां विच दर्ज हुए 44,000 नवे केस, हुण तक 1,28,000 तो वध लोकां दी मौत। तां दोस्तों दुनिया विच सब तो ज़्यादा करोना केस अजे भी USA विच तेजी नाल वध रहे ने। करोना कारण हुईयां मौतां दी सब तो वध गिनती अमरीका विच ही है। महामारी अजे भी इत्थे भयानक रूप लैंदी आ रही है। तुहानूं दस दईए कि मंगलवार नूं 44,450 नवे केस सामने आए ने, जबकि 337 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ब्राज़ील विच हर दिन अमरीका नालों बधेरे मौतां दर्ज कीतियां जा रही ने। अगली खबर, BSF च करोना के 53 नवे केस। तो दोस्तों BSF अमले के 53 होर जवान अज करोना की जद में आ गए ने। इन्हां नवे केसां नाल BSF विच करोना पॉजिटिव केसां की गिनती 1,000 के अंकड़े नूं टप गई है। तुहानूं दस दईए कि BSF विच 1,018 मरीज करोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालिया अंकड़िया मुताबक इन्हों विचों 659 जवान सेहतयाब भी हुए हैं, जदों के 354 अजे भी इलाज अधीन ने। हुण तक BSF के 5 जवान करोना अगे जिंदगी की जंग हार चुके हैं। अगली खबर, तख्त हजूर साहब और गुरद्वारा लंगर साहब कंटेनमेंट जोन तो बाहर। तो दोस्तों महाराष्ट्र के नदेड़ विचले तख्त हजूर साहब और गुरद्वारा लंगर साहब हुण कंटेनमेंट जोन विच नहीं रहे। इत्थे 20 दिनां विच करोना का कोई नवां केस सामने नहीं आया। सरकारी अधिकारियों ने दस्सिया कि सरकार के अगले आदेशों तक यह दोवें स्थान श्रद्धालुओं लई बंद रहेंगे। तख्त हजूर साहब के सुपरडेंट गुरविंदर सिंह बदवा ने कहा कि कलैक्टर ने 2 दिन पहला ही स्थान के बाहरी खेत्र का दौरा किया सी ते दस्सिया कि गुरद्वारा हुण कंटेनमेंट जोन अधीन नहीं है। जदों तक राज सरकार अगलियां हदायतां जारी नहीं करती उदों तक यह गुरद्वारा नहीं खोलिया जाएगा। अगली खबर, देश विच करोना दे 18,522 नवे मामले। तो दोस्तों भारत दे विच COVID-19 दे एक दिन विच 18,522 नवे मामले आउण तो बाद देश विच कुल मरीजां दी गिनती 5,68,840 हो गई है। बीते 24 घंटियां दौरान 418 जाना कारण करोना दे मरण वालियां दा अंकड़ा 16,893 तक पुज गया। अगली खबर, एंकर दविंदर पाल सिंह की करोना कारण हुई मौत। तो दोस्तों PTC चैनल के एंकर अते सीनियर पत्रकार दविंदर पाल सिंह की करोना कारण मौत हो गई है। दविंदर नूं महीना पहला दिल्ली विच करोना हो गया सी, जिस मगरों उस नूं पहला इत्थे फिर चंडीगढ़ के निजी हस्पताल विच भर्ती करवाया गया सी, जिथे कई दिन वेंटीलेटर उपर रख्या गया। अगली खबर, चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में 50% स्टाफ सदन के हुक्म। तो दोस्तों यूटी के सिक्ख्या विभाग ने अज इतों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सदन के हुक्म जारी किए हैं, जो 30 जून तो अमल में आ जाएंगे। अगली खबर, भारत को 27 जुलाई तक मिल सकते हैं राफेल लड़ाकू जहाज़। तो दोस्तों भारत को 6 राफेल लड़ाकू जहाज़ों की पहली खेप
27 जुलाई तक मिलने की संभावना। इन्हां जहाजों नाल भारतीय हवाई फौज की समर्था होर बढ़ जाएगी। सूत्रां अनुसार पूर्वी लद्दाख की गलवान वादी विच चीन नाल फौजी झड़पां तो बाद बीते दो हफ्तियां तो हवाई फौज अलर्ट ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 जून नूं फ्रांस के अपने हम रुतबा फ्लोरेंस पारली नाल गलबात की। गलबात दौरान उन्होंने दस्सिया कि कोरोना महामारी के बावजूद भारत नूं राफेल लड़ाकू जहाज निर्धारित समय से सौंपे जाएंगे। फौजी अधिकारियों ने ना सापे जाने की शर्त दस्सिया कि जहाज़ों नूं पहली स्क्वैड्रन हवाई फौज का अंबाला स्टेशन से तैनात किया जाएगा। अगली खबर, बठिंडा तो पटना जा रही बस नूं लगी अग, सवारियां बचियां। तो दोस्तों इत्थों दे पिंड भावदीन नेड़े देर रात प्राइवेट बस नूं अग लग गई जिस नाल उह पूरी तरह सड़ गई। हादसे विच जानी नुकसान तो बचा हो गया। फायर अफसर ने गाबू होमगार्ड के जवानों के काफ़ी जद्दोजहद मगरों अग ते काबू पा लिया। बस के यात्रियों नूं होर बस के जरिए उन्होंने अगे लई रवाना कर दिता गया। अगली खबर, पंजाब दे विच करोना के मरीजों की गिनती 5568 तक पुजी। तो दोस्तों पंजाब विच करोना वायरस के मरीजों की गिनती बढ़ के 5568 हो गई है। तो हुण तक करोना वायरस नाल 144 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पंजाब विच हाले करोना के इलाज अधीन मरीजों की गिनती 1557 तक है। तो करोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती 3867 तक है। तुहानू दस दिए कि सूबे विच हुण तक सक्की मरीजों की गिनती 318030 तक है, जिन्हां दे नमूने जांच लई भेजे गए ने। अज 14 जिलों विचों 150 केस मिले ने। अगली खबर, पंजाब सरकार ने 1 तो लैके 31 जुलाई तक तालाबंदी खोलण संबंधी दिशा निर्देश किए जारी। तो दोस्तों तुहानू दस दिए कि पंजाब सरकार ने 1/7/2020 तो लैके 31/7/2020 तक अनलॉक 2 नूं खोलण संबंधी दिशा निर्देश जारी किए ने। कंटेनमेंट जोनां तो बाहरले इलाकों में सुचज्जे तरीके होर गतिविधियां नूं मुड़ खोलण का फैसला किया। इस संबंधी जानकारी दिंदिया सरकारी बुलारे ने दस्सिया कि इन्हां विस्तारित दिशा निर्देशों तहत सरकार ने जिला अधिकारियों नूं लोड़ पैण ते कंटेनमेंट जोन के बाहरले खेतरां विच अजिहियां पाबंदियां लगाउण की आग्या दित्ती गई है। अगली खबर, चीन नाल सरहद विवाद विचकार नवें स्पाइस 2000 बंब खरीदने की तैयारी के विच भारत। तो दोस्तों भारत जमीनी निशानियां ते अपनी फाइव फायर पावर नूं मजबूत करने लई होर स्पाइस 2000 बंब खरीदने की योजना बना रहा है। स्पाइस 2000 बंब की वरतों भारतीय हवाई सेना ने बालवकोट हवाई हमले तो बाद पाकिस्तान विच पुलवामा हमले तो बाद कीती सी। भारत इन्हां बंबां का एडवांस संस्करण खरीदने की तैयारी कर रहा है जो हवा तो धरती नूं निशाना बनाउण विच माहर ने। यह मन्निया जा रहा है कि चीन नाल वधदे सरहदी विवाद के विचकार भारत जमीनी टीचों नूं निशाना बनाउण लई अपनी शक्ति नूं मजबूत करना चाहुंदा है। तो दोस्तों यह अज्ज सवेर दीआं मुख वड्डीआं खबरां ते तुसीं वीडियो नूं अपने दोस्तां मित्रां नाल अग्गे शेयर जरूर कर दिया करो ते साडे नाल जुड़े रहने लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते नाल बने घंटी नूं भी दबा दिओ जिस नाल तुहानूं इसे तरह दीआं आउण वालीआं नवीआं अपडेट्स दा नोटिफिकेशन मिलदा रहूगा। इस वीडियो दे विच इन्ना ही, मिलदे आ किसी नैक्सट वीडियो दे विच। तद तक लई